तो जी माशाल्लाह ये देखें जी, बैठक का हमारा डोर जो है दरवाजा वो बन के आ चुके हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है, यही अखियों से नींद चुराता है। क्या कर रहे हो सर जी? दोबारा चलाना। इतनी प्रेशर क्यों है? सबा, हाँ जी बोल। सबा जी, ये ना सारा गोश्त ना पकाओ, आधा आज पकाओ, आधा फिर कभी बना लेंगे, यार महंगा है। ठीक है ठीक है, सारा बना लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है? यार क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, तेरे नाल मैं गाल कितने में कोई, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ बस। जाओ जाओ आप सब बहन भाइयों की दुआएं हैं। तो माशाल्लाह जी ये देखें मेरी दोस्त जो है, आज इसने माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे मैंने सुबह इसकी शिकायत लगाई थी तो आज इसको ना मतलब गुस्सा चढ़ गया है। पेटी की भी जितनी मर्जी सेटिंग की है वही का वही हाल है। तो फिर ये जो बर्तन वगैरह ना इसने मेरे ख्याल में सारे धो के दोबारा से सेट कर दिए हैं, इसकी क्या ही बातें हैं। आप अगर इसने इतना अच्छा काम किया है और मजीद अगर ये देखें, उधर का कचरा यहाँ पे सारा इकट्ठा कर दिया बेड पे, अब रात को सोना नहीं है हमने। पहले दुआ सलाम कर लो, उसके बाद आपको गुड न्यूज़ देता हूँ। चलो किस चीज़ की गुड न्यूज़? बहुत बढ़िया खुशखबरियाँ। चल वो मुझे नहीं खुशी होने वाली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जान भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आप? मैं भी ठीक हूँ। तो यही हालत है जो देख रहे हैं, थोड़ा सा रोविया है। और सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो कि आज मैं लेके आया हूँ काफी अरसे के बाद। ठीक है जी, तो वो कहाँ रखा है जो आपके अब्बू ने आपको आइटम दिए? वो पड़े हैं। हैं? वो रखे हैं। चलो फिर उधर उधर चलो, उधर उस साइड पे चलो, एक मिनट सिर्फ उधर चलो, दिखा दो फिर बता भी दो आज पकाना क्या है। अब नहीं मानेंगे, सुबह से उठी हूँ, एक मिनट भी नहीं मैंने सुकून किया। वो तो आपकी अपनी मर्जी होती है जी, हमने कौन सा कहा सुकून ना करो। ये जो आप जा रहे हो वाली कौन? मेरा गंजू मोहम्मद हसन। यार खराब है मोटर, चलते चलते बंद हो जाती है, पानी भी नहीं है। पानी तो पहुंच गया उधर, मैंने चला दिया, आपकी आवाज सुन ली थी ससुर जी। हाँ जी, आपके अब्बू ने कहा मोटर चला दो। अब्बू अभी? हाँ जी। तो जी अभी मैं शहर से ना ये चीजें लेके आया हूँ। ये है जी, एक किलो कीमा लेकर आया हूँ। ठीक हो गया। एक किलो कलेजी? नहीं, डेढ़ किलो कलेजी और दो किलो बड़ा गोश्त। ठीक हो गया। मतलब बड़ा गोश्त का मतलब है कट्टे का गोश्त। जब पकाएंगे तो दिखा देंगे, अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जी, तो ये जो है सारी चीजें लेके आया हूँ। अभी शाम को अगर ये कलेजी पकाई तो दिखाऊंगा, गोश्त पकाया तो दिखाऊंगा, कीमा बनाया तो दिखाऊंगा, जो चीज इनको पसंद आएगी ये पका लेंगे। लेकिन इनको भी संभालना है, फ्रिज में रखना है फिर। क्या चीज़? उनको ऐसे शापर में थोड़ी खराब हो जाएंगे। रख दूंगी मैं, फ्री हो गई। चलो ठीक। अच्छा गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज यही तो थी, गोश्त लेकर आया हूँ। हाँ गुड न्यूज, वो ना जो हमारा न्यू घर है उसमें ना मैंने सारे शीशे के सेट यानी मुकम्मल ना सेट खरीदे हैं जो कि अंदर लगेंगे, उसमें हर चीजें मौजूद है। शीशे के सर मतलब के शीशा लगा होगा अंदर, कंघी उसमें रखी होगी, साबुन दानिया। तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहीं इकट्ठे चलेंगे। नहीं, वो मिस्त्री उधर खानपुर में मिल गया था, उसने कहा मैंने शाम को लगाना है सेट। मैंने कहा ठीक है फिर ले आओ, फिर इकट्ठे हमने लिया है सेट। वो किधर है? वो गाड़ी में पड़ा है। मुझे दिखाओ पहले। ठीक है दिखा दूंगा, जब लग जाएगा देख लेना। हाय अल्लाह, ये सारा कचरा घर में। अब देखो ना, अब खाने पकाने का टाइम है और ये सफाइयों को शुरू हो गई। दिमाग नहीं चला तो नहीं, अगर मैं लेट आता ना फिर तो मेरे ऊपर जो है ना इनका वो होता, आपने लेट कर दी, इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया। अच्छा ये पुर्जे पकड़ो, पुर्जे पकड़ो, जाओ ये लड़का दो, ऐसे लड़का दो आराम से, टूटे ना आराम से, आराम से। चल जब देखो काम का टाइम है उस टाइम सफाइयां याद आ जाती हैं। पहले बताया है, तीसरा साल है, तीसरा साल कभी सफाई की है घर की? नहीं, आप करके देते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सफाइयां कर करके मेरी हालत जो है ना वो खराब हो गई है।
इतनी मुंह पे मिट्टी जमी हुई है ना, अब उतरने वाली भी नहीं है सारी जिंदगी, जितनी मर्जी सांभर लगा लूं। अभी जी हम जा रहे हैं बाहर, ये देखो इस, हाँ अब हंसने लग जाएगी कि मैंने अच्छा काम किया है। अब रुक मैं तुझे बताऊं अच्छे तरीके से। तुझे पता है ना है, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, इसलिए सर पे चढ़ती जा रही है। हाँ क्या है? नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं हुआ, अम्मी सब ठीक है, दोनों गाड़ियाँ माशाल्लाह। चल अड़ी चल। हेलो ये अनारकली बाजार नहीं गली है, चल घर जोल। हाँ गंद सट्टन वे नहीं है, टाइम जाया करन वे नहीं। बड़ा शौक है तुझे घूमने फिरने का, ले जाऊंगा ना जब मरी, फिर कहेगी मुझे जल्दी घर जाना है। जी हाँ पता है कितना, 2 महीने का टूर बनाऊंगा। हाँ जी अभी सर्दियां आने दो फिर चलेंगे, गर्मी आने दो फिर चलेंगे। आप जाओगे ससुर जी मरी? मैं मेरा क्या हूँ मरी, किधर है आपकी मरी? किधर बारू? हाँ मरी तो मौसम का है, उधर मरी चलेंगे ना गर्मियों में। हम नहीं चलेंगे। अच्छा हमारे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी हमारे पास है ना, वो तो तुम्हारी है ना। आपकी भी है ना। अब जी अपने कपड़ों की, औरत जो होती है ना सबसे पहले वो अपने कपड़ों को इस तरह से रखती है ना जैसे सोने के जेवरात हों उनके ये कपड़े, उनको सबसे पहले संभालेगी, सीधे करेगी। मर्दों को जलन क्या आती है यार, आपको तो इस्त्री करके प्रेस करके देती हूँ फिर भी आपको जलन होती है, क्या मसला? ये वाला सूट मैंने पहना है ना इसको तकरीबन आज 4th दिन है। तो मुझे भी 4th दिन है। तो किसने कहा ना? किसने कहा आपको, किसने कहा ना लाओ? मेरे पास तो टाइम नहीं है ना। तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। बड़ी गाल है, आज मैंने कहा जल्दी से काम जो है वो खत्म करके नहाऊंगी। हमारी भी क्या यार यूट्यूबरों की लाइफ है कि वैसे और यूट्यूबर हैं माशाल्लाह उनका ना वो ना डालते हैं एक वीडियो ना, मतलब 24 घंटे में एक वीडियो बनाते हैं, तो हम यार कोशिश करते हैं कि 3-3, 4-4 वीडियो ना दिन रात जो है वो बनाएं डालें ताकि हमारी इनकम ज़्यादा आए और हम जो है वो अपना घर बनाएं इस तरह से। क्योंकि आपको पता है जो जो काम हो रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है उनको बयाने दिए हुए, उनको तो पैसे पूरे करने हैं ना, इसलिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो एक दिन में डालते हैं। इस वजह से हमें ना अपना होश नहीं है, अपनी केयर का पता ही नहीं है कि हमने साबुन से मुँह भी धोना है और कपड़े भी इस्त्री वाले पहनने हैं। लेकिन एक दिन इंशाल्लाह जरूर आएगा जब हमारे घर बिल्कुल ओके हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हम अपनी तसल्ली से जो है वो व्लॉग बनाते रहेंगे और खुद की भी केयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस सबा ने कह दिया तो इंशाल्लाह, क्योंकि माशाल्लाह दुआएं कबूल होती हैं, और 40 बंदा जो है वो आमीन बोल दे तो दुआ कबूल हो जाती है। तो सब बहन भाई बोले आमीन। बोल दिया हाँ आवाज आ रही थी थोड़ी तो नहीं, फुल आवाज आ रही। अभी सिस्टर ने बोला एक आमीन, ओ भाई ने भी बोल दिया आमीन। अच्छा वो व्लॉग में ना एक मेरे भाई के लिए ना दुआ करनी है, वो मैं आपको बता दूं, अब्बू जी से दुआ करवानी है। अच्छा हाँ मेरी अम्मी बनी हुई है एक, तो उनकी मतलब मेरा भाई हो गया फरीदुलद्दीन अहमद और फरीहा को अल्लाह पाक बेबी अता फरमाए, आप और आपके भाई गौस अहमद को यूके के इम्तिहान में कामयाबी फरमाए। आमीन सुमा तो आमीन। अम्मी ने कहा कि अब्बू जी से दुआ करना। अच्छा हाँ जी अब्बू को नेम बता दे फिर वो दुआ कर देंगे। अच्छा हाँ जी चलें चलें फिर बता दें अब्बू जी को, अब्बू जी बैठे हैं तो अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये ना एक भाई के लिए दुआ करनी है और हमारी आपकी है उनके लिए, अल्लाह पाक उनको जो है औलाद दे। ये नाम लिखा है फरीदुलद्दीन अहमद और फरीहा को, तो इनके लिए आप दुआ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना। मेरा अल्लाह तू मेहरबान ज़ात है, रहम करने वाली ज़ात है, मेरा अल्लाह हर तेरे रहमत फरमा मेरे मौला। आमीन। हर दुख के दुख में या परेशान के परेशानियां दूर फरमा मेरा अल्लाह। आमीन। मेरा अल्लाह इन भाइयों में
अब जो इल्तिजा के किए मेरा अल्लाह के दुआ करो मैं साहिब अलवत करे लसी आमीन अल्लाह तबाराक व तआला अपने रहमत नाल इंशाल्लाह इनको साहिब अलवत करेगा आमीन झोलियां को आबाद करेगा इंशाल्लाह आमीन इंशाल्लाह बाकी भी जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामला जरा फरमावे जो बे औलाद ताला से उन्हें औलाद नसीब फरमावे आमीन तमाम मुसलमान की परेशानियां दूर कर दे मेरा अल्लाह आमीन सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़े सैयदना मुहम्मद व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह जी अबू जी से हमने दुआ करवाई है सिस्टर ने जो कहा था सबा की अम्मी ने। हाँ जी अम्मी जी अब जो है मैंने अगर आप भी लोग देख रहे हैं तो मैंने भाई और भाभी के लिए जो है दुआ करवा दी है और सब बहन भाइयों के लिए भी अल्लाह अबू जी ने दुआ की है कि अल्लाह पाक जिनकी भी औलाद नहीं अल्लाह पाक सबको औलाद नरीना अता फरमाए आमीन जी। तो चलें जी आप दोबारा से काम स्टार्ट। मैडम जी आ चुकी हैं अंदर वाला अपने कपड़े चा के फिर दोबारा से जो है वो शुरू हो जाएगी। बस वो देखें यार पता नहीं चल ठीक है कार यार मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं सारा दिन चले जाते हो फिर भी आपको अच्छा लगता है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है जी। घर की सेटिंग अच्छी हो तो बंदा घर आए खुश भी होता है और आके बेड सोफे पे बैठ जाता है सुकून करता है। घर कहीं पे बैठ अब ये एक चेयर है ना बैठने के लिए इसके ऊपर भी ये देखें ये रखी हुई है चंगेर ये ओवन है ना इसके ऊपर हीटर रखा हुआ है। तो वो खुद आपने रखा है हर पे मेरे मुझे क्यों से लेकर मुझे ये बताओ आप गुस्सा ना दिलवाएं जी आप गुस्से में इतना अच्छी लगती हो ना दिल करता है कि मैं आपको गुस्सा दिलाऊं और जब आप गुस्से में यकीन करें आप चाहते हो मुझे बता दो बस। आप हंसती हुई अच्छी नहीं लगती गुस्से में बहुत अच्छी लगती है। अब देखो कितनी प्यारी इधर देख बड़ी प्यारी लग रही हो पता भी है सारा दिन बच्चों से फारिग नहीं होती सारा दिन काम कर रहे होते हैं फिर भी आप ऐसी बातें करो तो अब मुझे मैं अबू के साथ चली जा रहा हूँ मुझे रहना नहीं है कोई बात नहीं है कहता तो मजाक है सारी बस है। यार हैप्पी रहो ऐसा कोई मसला नहीं है रे छोरी सुनी देख किन्नू मालते फ्रूट निकलते पे रजा इन्हें को डोक भोक खादी वेनी है तो मेरे लिए नहीं लेके आया चलो ठीक है दिल तो पागल है दिल दीवाना है सारी सारी रात जगाता है यही अखियों से नींद चुराता है दिल तो पागल है दिल दीवाना है यही है दिल जो लड़ाई करवाता है दो मिनट के बाद सुलाती जाती है दिल तो पागल है क्या मट्टी बिस्तरे बांध रही हो जा रही हो घर चलो फिर वो छोड़ा हूँ अड्डे पे छोड़ा हूँ हाँ जी तो अड्डे पे मैं आपको छोड़ा तो बैग वगैरह उठाओ डिग्गी में मैं रख दूंगा आपको जरूरत नहीं है मैं खुद चली जाऊंगी अल्लाह पाक ने आंखें दी हैं टांगे दी हैं हाथ दिए हैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। अच्छा जी आपको बहुत शुक्रिया थैंक यू मैडम चलो मेरी जगह बना दो ताकि रात को फिर कौन बना के देगा जगह बना दो और कपड़े ना पहले इस तरह कर लो मेरी बात सुनो नहीं आप जा रही हो ना मेके दाल तक सुन आप जा रही हो ना मेके तो इस तरह करो मेरे सारे सूट कपड़े इस्त्री कर दो और उसके अलावा जो है वैसे दो सूट इस्त्री कर दो क्योंकि दो दिन तो आपने मेरे बगैर रहना नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो यही उम्मीद है लेकिन मेरे दिल में तो यही है शायद आप इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हैं लेकिन अभी आपको पता सच क्या है वो तो साफ है भाई हम मोहब्बत करते हैं लेकिन आपको तो नहीं है ना हमसे मोहब्बत तो उससे बेहतर मोहब्बत है तो खुद छोड़ के आ रहा हूँ जो शख्स मोहब्बत नहीं करना चाहता उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत जगह नहीं है तो उससे बेहतर है जी वही तो कह रहा हूँ जगह भी बना के चली जाओ ठीक है और वो कपड़े वगैरह मेरे सारे ना इस्त्री कर दो ठीक है फिर मैं ना आपको अच्छी सी ना ड्राइवर बस से दिखा के आता हूँ तेरा मेहरबान है ये ठीक है लगाने वाली जरूरत नहीं है चले जाओ मुझे पता है आपको नहीं है मोहब्बत मुझे ये ऐसे बस ड्रामे बाजे करते रहते हो ये सब बहन भाइयों को दिखाने के लिए कि सब से मोहब्बत करते हो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं ये रोने आंसू टासू आने की जरूरत नहीं है चले जाओ अच्छा बस
सब भाइयों को पता है प्यार नहीं करता है, ये सब दिखावा है, कोई बात नहीं, चले जाओ, छोड़ो मुझे यार, छोड़ क्या है, होन आ गई हो बाहर, होन होगी अच्छी अच्छी बातें नहीं होगी भला अंदर बंदी पी ओ देखो हट गई ना, यही कहते हैं माशाल्लाह। चलो जी आप पता क्या है, अब अभी बताओ शाम को अभी क्या बनाना है, कुछ नहीं, लड़ाई हो रही है, क्या बात है, खैर है सब, नहीं हम तो अलहमदुलिल्लाह देखो हम तो इकट्ठे खड़े हैं, नहीं नहीं लड़ाई, हाँ ये देखो ये सच बोलती है, कभी झूठ इन्होंने नहीं बोला है, हकीकत है ना, नहीं तो जी माशाल्लाह ये देखें जी बैठक का हमारा डोर जो है दरवाजा वो बन के आ चुके हैं, ये यानी कि डबल डोर है ना दोनों माशाल्लाह वीआईपी, तो कैसा डिजाइन है जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त है ना, तो इसका सामान वगैरह लाके वगैरह भी लेकर आए थे, हैंडल लॉक लगानी है इसको, तो अभी गाड़ी में पड़ा सामान वो भी लेकर आते हैं, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे जो है लगाना स्टार्ट करते हैं जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे लगना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, काफी मेरे बहन भाई कहते थे अहमद भाई दरवाजे ही लगवा लो, तो दरवाजों का ऑर्डर दिया हुआ था, क्योंकि लक्कड़ का सिस्टम होता है ना, लक्कड़ जो है वो गीली जब लगवा लेना वो नुकसानदेह होती है, मतलब वो दरवाजे जो है फिर मजबूत नहीं होते, तो इसलिए मैंने ना वो मतलब के सूखी लक्कड़ मंगवा के उसका अभी फिलहाल जो बैठक का दरवाजा है वो तो अभी लग रहा है, दूसरे मैंने कहा अंदर के दरवाजे फिर टेंशन नहीं, ये मेन दरवाजा ये लग जाएगा, उसके बाद दूसरे जो दरवाजे हैं वो इंशाल्लाह 10-15 दिन तक जो है लगवा लेंगे। सबा दरवाजे ना खराब था पे वो कितना सबा, वो ना क्या बना रहे हो अभी, चिकन या कढ़ाई या क्या, मतलब क्या? नहीं गोश्त या कलेजी या कीमा, इनमें से क्या बना रही हो आज? हम गोश्त बना रहे हैं वो भी कुर्बानी की तरह, जैसे कुर्बानी वाला बनाते हैं उसी तरह। अच्छा एक मिनट, प्याली में घी ना तेल डाल के दे दो, वही मैंने कहा इधर से जाओ ये रास्ता है, तेल डाल के दो वो दरवाजे को लगाएगा ना, सुनी बस प्याली पा दे तू। गोश्त जो है वो भी हमने धो लिया है, अभी पकना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जी। अम्मी यार ये जब भी साइकिल चलाते नल्ले चबाता है ऊपर, यार आराम से चलाया करो बेबो जानी, आज हमारा दरवाजा न्यू लग रहा है, कितना प्यारा है, बहुत अच्छा। तुम डर कर क्यों भागे, वो जब उसने मशीन चलाई आप डर गए थे, फिर घर भाग आया, अच्छा ढैप है, किसने मारा तेन, मैं आप देख कपड़े धूड़ो धूड़ा, अच्छा सही है, छुरी हाथ में जी, ये ना सारा गोश्त ना पकाओ, आधा आज पकाओ आधा फिर कभी बना लेंगे, यार महंगा है, ठीक है ठीक है, सारा बना लेती हूँ, सारा नहीं मैंने कहा आधा आज बना लो, इसमें आलू डाल लो, क्यों सस्ता जी, हाँ आलू बेहतर है, हाँ नुक्कड़ों के लिए अच्छी चीज है, हाँ क्योंकि आलू मिक्स कर लेंगे ना अच्छा टेस्टी बन जाएगा, फिर मटन बन जाएगा, हाँ फिर और भी गोश्त बच जाएगा, फिर और दूसरे दिन भी बना सकते हैं, मटर वाला कीमा, हाँ कीमे में मटर डालेंगे वो अच्छा लगेगा, हाँ, आपने बनाया है, हाँ हम तो रोज बनाते हैं, वाह जी वाह कमाल, फिर बताया तो नहीं कभी, हाँ जी ठीक है वाला, बनाओ गोश्त, कूला गोश्त है कुराड़ा गोश्त है, ये है बिल्कुल नरम वीआईपी कट्टे का गोश्त, एक नंबर गोश्त, मेरे दोस्त ने मुझे ना ये गिफ्ट किया है, हाँ जी नानी ना मोल खेलते आया, 2300 रुपए की दसवां संग गिफ्ट कंज की था, 2300 रुपए का गोश्त आया ये, हां ये गिफ्ट है वैसे पता है कितने का बनता, हां 6 × 24 ते 4 × 3 = 2700 ते 2900 का, 2900 का गोश्त 2300 रुपए का मिला है, अच्छा मिला है, 550 रुपए के दिया है, मुर्गी भी 520 रुपए 30 रुपए, हां मुर्गी 550 है, चिकन ये भी 550, तो फिर यही बेहतर है, ये सही है, हाँ जी, तो प्यारे बहन भाइयों हमारा व्लॉग हो चुका है यहाँ पे पूरा, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब ये जो रेसिपी बना रहे हैं ना गोश्त की, ये वीडियो फिर हमारी सुबह आएगी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।
जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबा कह रही थी मैं नाराज होकर अब्बू के साथ चली जाती हूँ। वो नहीं जाती।